नमस्कार। जैसे कि आजकल जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जिस कारण बहुत सारे कार्य जो हैं वो जो है चाहे डेवलपमेंटल है, चाहे विभिन्न विभागों के कंस्ट्रक्शंस के काम हैं या अन्य जो है नियुक्तियां करनी है, ये सारे के सारे होल्ड पर हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले जो जिनके जो है प्रोसेस चला हुआ था, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि इस मौसम में रूटीन में किए जाते हैं, जिन पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी उसमें जो है लगने का सवाल नहीं पैदा होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्य को, कंस्ट्रक्शन के वर्क्स को, एक लिमिटेड हमारे पास सीजन है, और इस सीजन का जो मौसम के कारण लिमिट है, तो कार्य जो है अगर अभी शुरू नहीं किए जाएंगे तो बाद में ये कार्य नहीं किए जा सकते। इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जिनमें प्रोसेस चला था नियुक्तियों का, खासकर स्कूलों को लीजिए आप, जिसमें पूरे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ उनको जो है नियुक्तियां देनी थी, वो सारे के सारे होल्ड पर है। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की स्क्रीनिंग कमेटी है, इसने अभी तक कोई तकरीबन 34 के करीब मदों को स्क्रीनिंग कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को भेजा है कि उसमें परमिशन मांगा है। इसमें अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊं, तो इसमें हमारा जो डिपार्टमेंट वाइज जो परमिशंस के लिए इलेक्शन कमीशन के पास लंबित है, लंबे समय से लंबित है, इंडस्ट्री का एक है, एजुकेशन के 4 मामले हैं, और अर्बन डेवलपमेंट के 2 मामले हैं, ट्रांसपोर्ट जैसे डिपार्टमेंट में जहाँ पर टायर लेना होता है, ट्यूब लेना होता है, बगैर उसके जो है ट्रांसपोर्ट ठप हो जाता है, उसका मामला पेंडिंग है। पीडब्ल्यूडी में जहाँ पर हमारे सड़कों को आजकल जो रीसर्फेसिंग करने का सीज़न आ गया है, और इसका मामला भी जो है इलेक्शन कमीशन के परमिशन के लिए जो है लंबित पड़ा हुआ है। और इसी तरह से अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, आजकल जो है हमारे मौसम है जहाँ पर न्यू प्लांटेशन की ज़रूरत है, ये मामला भी इलेक्शन कमीशन के पास जो है पड़ा हुआ है। हमारे पास लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट का एक मामला है, पर्सनल के एक मामला है, और हॉर्टिकल्चर का एक है, और हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 2 हैं, SAD के 2 हैं, SWD के 1 है, होम डिपार्टमेंट के 3 हैं, जल शक्ति विभाग का 1 है, हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 हैं, एक्साइज का 1 है, और PNS का 1 है। कुल मिलाकर जो है करीब जो 34 में से अभी 27 मामले वहाँ पर लंबित पड़े हैं। तो हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हिमाचल के साथ एक किस्म से न्याय नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि कुछ हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार जो है इलेक्शन कमीशन का हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ हो रहा है। और इस जो है एक तो हमारा चुनाव जो है आखिरी चरण में है, जो 7वें चरण में है, और ये सारे के सारे रूटीन के काम है, कोई भी नए काम नहीं है, और ये बहुत ही अर्जेंट नेचर के काम है। अगर जिनको अगर समय लेते हुए नहीं किया तो पूरे के पूरे इलाके के लोगों को भारी नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। अब स्कूलें